नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का महाज्ञान प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय है देवताओं के वाहन हमें देते हैं संदेश। इस संसार में हर जीव दूसरे जीव का शत्रु है। चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता मार देता है, कुत्ते को भेड़िया मार देता है, तो भेड़िए को शेर मारकर अपना भोजन बना लेता है। मानव शेर का शिकार कर लेता है। यानी सृष्टि में देखा जाए तो हर जीव दूसरे जीव का शत्रु है या शत्रुता का भाव रखता है। इसके बावजूद अगर हम ध्यान दें तो हमारे देवी देवताओं के वाहन प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन एक दूसरे से शत्रुता रखने वाले हैं। फिर भी सभी मिलकर साथ रहते हैं। विशेषकर देवाधिदेव महादेव शिव के परिवार में यह देखने को मिलता है कि उनके परिवार में जितने वाहन हैं उनकी परस्पर आपस में शत्रुता है, लेकिन फिर भी उनके बीच में कभी कोई लड़ाई छिड़ी हो ऐसा मुझे नहीं ज्ञान पड़ता है। क्यों? क्योंकि देवताओं के जो प्रतीकात्मक शत्रु वाहन है वे शत्रुता के बीच मित्रता का भाव जागृत करते हैं और अपने स्वभाव अपनी प्रवृत्ति को छोड़े बिना सभी मिलजुल कर साथ रहते हैं। मानव मात्र को देवताओं के ये वाहन यही संदेश देते हैं कि हम परस्पर मिलजुल कर रहें, भले ही हमारा स्वभाव और हमारी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न क्यों ना हो। इसीलिए आज अगर आप दृष्टि दौड़ाएंगे तो पूरे विश्व में इंसान को कई गुना कई सौ बार मार देने के मिसाइल परमाणु बम मौजूद है। इंसान इंसान का दुश्मन है। कितना अच्छा हो कि हम सब विश्व के लोग मिलकर साथ रहें, लेकिन नहीं, सभी देश आपस में राज्य की नहीं बनती। ये एकजुटता का संदेश हम अपने घर से शुरुआत करें। अपने घर में एक दूसरे के विरोधी ना रहे, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के सम्मान और भावना का ध्यान रखते हुए आगे से आगे एडवांस पे हम एक दूसरे के काम करें तो आप देखिएगा घर स्वर्ग बन जाएगा और सृष्टि स्वर्ग से कम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।